एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया छक्का निवासी लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा पटेल अपने बेटे की अस्थियों का इंतज़ार कर रहे हैं। मामले के मुताबिक मार्च के महीने में इनका बेटा जयराज गायब हो गया था, जिसके बाद उसकी पतासाजी के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेकर के गायब हुए युवक की तलाश शुरू की थी। तो वहीं इसके साथ ही पिता ने अपने बेटे की तलाश के लिए और खोजने वाले को 5 लाख रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन मई के महीने में जयराज का शव मिला था, उसका कंकाल मिला था, कपड़ों के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान की थी। तो वहीं पुलिस के द्वारा उसके सैंपल को डीएनए के लिए भेजा गया था, लेकिन जयराज का डीएनए उसके माता पिता से मैच नहीं होने के कारण अब उसकी अस्थियां उसके परिजनों को नहीं मिल पा रही हैं। इस मामले पर दमोह पुलिस का कहना है कि डीएनए मैच नहीं होने के कारण एक और तकनीक से जांच की जा रही है, जिसके लिए सैंपल चंडीगढ़ भेजा गया है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि कपड़ों के आधार पर उन्होंने अपने बच्चे की पहचान की है, जिसकी लाश मिली थी, और उन्होंने अपने ही परिजनों पर हत्या के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं इन लोगों को अपने बच्चे की अस्थियों का इंतजार है, जिससे वे लोग उसका अंतिम संस्कार कर सकें। क्या है पूरा मामला आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। हार्वेस्टर चल रहा था तो उनकी लाने चंद्रभान के बुलाई हुई हो तो बटाई से बटाई होने दी गेहूँ की तो भी ले भी आओ लो आवे की लाने गाड़ी से एक्टिवा से तो उसके बाद फिर इधर खाना ना खाओ फिर गाड़ी सीखत रहो स्प्लेंडर। उसके बाद फिर वो पता नहीं फिर 1 घंटा बाद कहाँ चलो साहब है तो और सो घर में यही होती है ना। उसके बाद फिर पता नहीं है फिर पता ढूंढो देखो गाँव वालों ने ढूंढा था सब जगह ढूंढने के नहीं मिलूगा। फिर इसके बाद फिर 14 तारीख हों 14 मई हों मतलब कंकाल मिलो तो तलैया में गड़ो नहीं दशरथ की तलैया में मिलो जो उस और का है घर ही से है मतलब जो भी कछु है घर ही से मतलब घर ही से जो कुछ वो प्रॉपर्टी विवाद है तो हम 3-4 साल से चल रहा हो तो बेच के रहती कि हमें जो चाहने वो चाहने तो हम दे ही रहे थे, लेकिन उन्होंने लालच ने मतलब लालच में ज़्यादा वो आ गए कि हम जो भी दिए और जो भी दिए उसी वजह से मतलब पहले से कह रहे थे भंगी खें कुत्ता खें मतलब ऐसी पहले से बोल रहे थे। विवाद बहुत दिन से चल रहा हो 3-4 साल से तो उसी वजह से हो सकता है कि मतलब उसी वजह से हमने मारा होगा। बेटा क्यों उनके साथ खेलने चला गया था आपका विवाद था नहीं ऐसा विवाद नहीं है तो बोला चल लड़का तो सबके दिया उसमें कोई भेदभाव नहीं तो बिल्कुल सीधे होते बिल्कुल लड़का से बोलते हो जाते सब कुछ कोई बात नहीं हम समझ नहीं बोलते मतलब लड़का तो सबके दे रहते लेकिन इतना विश्वासघात नहीं जा रहा इतना मतलब तो विश्वास से तो भाई गया लड़का थोड़ी कुछ करें तो हमसे करते। लेकिन कितनी ज़मीन है आपकी? ज़मीन की 60-70 एकड़ जगह मतलब 60 एकड़। क्या लगता है कि प्रॉपर्टी के कारण ही है? हाँ ये तो प्रॉपर्टी के कारण मतलब जयराज पटेल था सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था क्लास 10वीं में और एक इनके पापा किसान थे तो वो छुट्टी था तो खेत से गांव आया था तो इनको छोड़ने खेत गए और खेत से इनको छोड़ के घर आया तो उनके छोटे भाई थे उनका पुत्र था उनकी पत्नी थी तो उनके साथ जी खेत में थे और यहाँ आया तो उस उन लोगों ने क्या किया ये नहीं पता कैसे मारा कहाँ मारा लेकिन मारा उन्हीं लोगों ने। और पहले 15-24-29 मार्च से हम लोग 2 बजे इनको खेत छोड़ के आया फिर वहाँ से पाड़े जहाँ जो हैं इनके दोस्त हैं वहीं इनने बोला था कि उनको लेके आना खेत में सुबह घर आया तो इनने फिर वहाँ से पाड़े को फ़ोन किया तो उनने बोला कि चलो जाए खेत से यहाँ आया तो बुलाया तो घर पे जाए नहीं था सो फिर इनने फोन सो इनको फ़ोन किया कि जाए नहीं है तो कहाँ हैं
घर पे नहीं है, सुनने सोचा वहीं खेल रहा होगा कहीं पे, फिर नहीं मिला तो कोई इनके छोटे सौतेले भाई दशरथ वो खेत गए के नहीं गया घर पे, और फिर पांडे भी गए और राम जी भी गए कि जाए घर पे नहीं है, तो फिर गांव में जे इन जे घर आए फिर खेत से फिर खोजा सब में नहीं मिला, और उनका बेटा था दशरथ का जो मानवेंद्र नाम है वही कहीं के इसी बहाने से ले गया कि चलो मोटरसाइकिल से खा दे, और फिर नहीं है पता उसने क्या किया कैसे कहाँ का क्या किया। हम लोग खोज रहे फिर शाम को जे हम दमू में थे जे यहाँ से फिर रिपोर्ट लिखाने गए पथरिया थाना, फिर वहाँ पे उनने फिर भी दूसरे दिन पुलिस आई तो छानबीन की फिर नहीं मिला, फिर 14 अप्रैल को उसके 14 मई को उसके दशरथ के खेत में उसी के कंगाल मिले जयराज के, जो हम लोगों ने कपड़ों से पहचान लिए कि हमारे पुत्र का पैंट है और उसी की टी शर्ट है, बेल्ट है, रूमाल है, सब कुछ उसी का है, उसी से हम लोगों ने उसको पहचाना है, लेकिन पुलिस ने कहा डीएनए करवाओ उससे, वो नहीं मिला तो उसको वो पुलिस अभी दे नहीं रही के, जबकि हम लोग पहचान गए कि जी कपड़े हैं और हम लोगों के पास उसकी फ़ोटो है और उस वही कपड़ा पहने हैं फ़ोटो में सब, और फोटो भी भेज दी पुलिस को SP को भी सब, लेकिन अभी न पुलिस ने कुछ कार्रवाई कर रही गुनहगारों के ऊपर न अब हम लोगों के बच्चे की वो कंगाल दिए जिससे हम उसका अंतिम संस्कार कर सकते। हम लोग यशोदा पटेल हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे के सब मिल जाए, हम लोगों को कंगाल और हम गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और इनके सौतेले भाई ने ही मार और उसके बेटे और पत्नी सब शामिल है उसमें। क्यों नहीं दे रही पुलिस, क्या कह रही? पुलिस बोल रही कि आपका डीएनए नहीं मिला, हम लोगों ने इंदौर से हॉस्पिटल से सैफ अली जैन के यहाँ इलाज करवाया था, तो अब ये नहीं कि उन लोगों ने रिपोर्ट बदल दी के क्या हुआ है, अब ये नहीं हम कह सकते कि मिला नहीं है कि रिपोर्ट बदल दी उन लोगों ने बदलवा दी पैसे ऐसे दे के, कुछ भी नहीं, हम ये नहीं बता सकते यहाँ का क्या हुआ है। क्या लगता है क्यों उन लोगों ने मारा, वो क्या कारण हो सकता है? वो इनका 4 साल से जमीनी विवाद चल रहा था, उनको हम लोगों का मकान चाहिए था जायका, और ये मकान भी चाहिए था और इनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इनके पास पहले बच्चे नहीं थे तो वो लोग सोच रहे थे कि हम इनका काम करते थे, सौतेले भाई हैं तो जे इनको घर पर रखे थे कि तुम लोग काम करो हम अपने बच्चा पढ़ाते, अब उनने काम छोड़ दो, अब कह रहे हमें तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी दो आदि, नहीं दी तो उनने इनको धमकी देते थे पहले ही से देते थे 4 साल से कि हम तुम्हारा भंगी खाएंगे, तुम्हारा कुछ भी उल्टे सीधे बोलते थे, और ये सोचते रहे कि मारेंगे तो हमको मारेंगे सामने से, लेकिन बच्चा अकेले पाके उनने बच्चे को मार दिया घर में, जे खेत में थे बच्चा अकेला था घर में, बच्चे को गाड़ी के बहाने से ले गया या घर पे मारा ये कुछ नहीं हम बता सकते, लेकिन मारा उन्हीं ने, ये तो हम कह रहे नहीं। वो जिस दिन बेटा घुमा था उसके अगले दिन से ही पुलिस ने इस मामले में, जैसे ही पुलिस के पास अपराध कायम हुआ था उसमें 363 का अपराध कायम है, तो उसी दिन से पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लगातार उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तत्काल हमने FSL की टीम भेजी थी, पुलिस डॉग भेजा था, FSL सागर से टीम दो बार वहाँ जाँच कर चुकी है, दुर्भाग्यवश अभी तक बालक का पता नहीं चल सका है। इसी दौरान कुछ घटना के लगभग एक डेढ़ माह बाद जो है एक उन्हीं के भाई के खेत में कुछ अस्थि अवशेष मिलने की जानकारी प्राप्त हुई, तो जो अस्थि अवशेष मिले, अस्थि अवशेष का जो आज की तारीख में अस्थि अवशेष किसका है जांचने का सबसे आधुनिकतम और प्रमाणिक तरीका यह है कि DNA टेस्टिंग कराई जाए, तो DNA टेस्टिंग कराई गई तो DNA टेस्टिंग की रिपोर्ट निगेटिव आई। बाद में ये पता चला कि बालक जो है IVF तकनीकी से जन्म हुआ था, तो हमने इस संदर्भ में जहाँ से इन्होंने IVF कराया था वहाँ हमने जांच किया, तो वहाँ पे भी चूँकि इनके पास कोई दस्तावेज IVF से संबंधित नहीं था, तो इसलिए कोई ऐसा तथ्य वहाँ से नहीं मिल पाया कि IVF तकनीक में
मैं जो उसके जैविक माता पिता थे वो कौन थे ये सब चीज़ें पता नहीं चल पाई। हालांकि अभी भी उसमें दोबारा हम एक टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा हमने जब चूँकि फरियादी पक्ष जो लक्ष्मण सिंह जी हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो अस्थि अवशेष मिले हैं अस्थि अवशेष उनके बालक के हो सकते हैं ऐसा उनका मानना है। तो हमने ये दूसरी तकनीक जो पहले यूज होती थी इस तरह के चीज़ों में पहचान स्थापित करने के लिए उसको सुपरफिशियल इम्पोजिशन कहा जाता है, इसके लिए हमने अस्थि अवशेष जो है वहाँ भेजे हैं चंडीगढ़ के लिए। जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे और हम लगातार इस मामले में संवेदनशील बने हुए हैं और संवेदनशीलता से मैं थाना पुलिस या SDOP हटा लगातार इसमें लगे हुए हैं और जो भी फैक्ट होगा हम उसमें तदनुसार रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। परिजनों का कहना है कि सर इसमें जो कपड़े उन्होंने प्रस्तुत किए उसमें बालक वही कपड़े पहने, ऐसा उनका कहना है, लेकिन एक बार पहचान स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। पहचान स्थापित होने से हमारे सामने एक तथ्य भी आएगा कि इसमें किस प्रकार का अपराध घटित हुआ और किन लोगों द्वारा घटित हुआ, यदि ऐसा पहचान स्थापित होती है, नहीं होती है तो भी पता करने की कोशिश की जाएगी वो बालक आगे कौन है। और जो हत्या के आरोपी और अस्थि विसर्जन करने ना देने का भी आरोप है, नहीं नहीं ऐसा भाई पहचान तो स्थापित हो ना, वो किसका है, हमें कोई पहचान स्थापित होगी तो अस्थि अवशेष प्रदान करने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनके परिजनों के द्वारा ये नहीं कह सकते अपन, ये हो सकता है IVF टेक्निक जो है वो ये है कि पुरुष से शुक्राणु लेना और महिलाओं से ऊसाइट अंडे लेना, ये दोनों लेके बाहर लैब में उसको भ्रूण बनाया जाता है। भ्रूण बनने के बाद वो ट्रांसफर होता है बच्चेदानी में और एक शिशु का जन्म होता है। अब बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स कहलाता है वो ये है वो किसके शुक्राणु है और किसका ऊसाइट है या अंडा है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहलाते हैं। IVF टेक्निक क्यों हुई है इस पर डिपेंड करता है कि क्या हुआ होगा या आगे क्या है। मान लीजिए यदि स्पर्म डोनेशन है और ऊसाइट डोनेशन है, मतलब अंडे भी पुरुष के शुक्राणु भी डोनेट करके लिए गए हैं और महिलाओं के अंडे भी डोनेट करके लिए गए, तो जो भ्रूण बना है वो दोनों डोनेशन से बना है, तो जो पेरेंट्स ने जन्म दिया है उनसे वो बायोलॉजिकली मैच नहीं करेगा, पर बच्चा उनका कहलाएगा क्योंकि उनने जन्म दिया और आगे की जो भी कहानी है। पर उससे यदि अपन सोचें कि बायोलॉजिकली जो है वो पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं तो लीगली वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति स्पर्म डोनेशन या जो भी महिला ऊसाइट डोनेट करती है तो वो उसमें लिखा जाता है डिस्क्लेमर में कि लीगली उनका कोई उस पर अधिकार नहीं है, वो सिर्फ एक अपना टिश्यू डोनेट कर रहे हैं। तो वैसे एक वे पॉसिबिलिटी की केस में जिसमें कि दोनों शुक्राणु और अंडा दोनों ही डोनेट करके लिए गए हैं उसमें बायोलॉजिकली मैच नहीं होगा IVF के केस में। मान लीजिए स्पर्म डोनर है तो ऐसे में माता या पिता में से किसी एक का भी मैच होगा। हाँ, यदि स्पर्म डोनर है ऊसाइट माँ का है तो माँ से मैच होगा, यदि ऊसाइट डोनर है स्पर्म फादर का है तो फादर से मैच होगा, फादर के से मैच होने को पैटर्निटी टेस्ट तो माँ से मैटर्निटी टेस्ट कहलाता है। दोनों से मैच नहीं हुए हैं तो माइट बी पॉसिबल कि वो पूरा भ्रूण जो है डोनेट करके लिया गया है। राहुल राखिया। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों में है दम, दिल्ली मुंबई से है रेट कम। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार होटल के नीचे। राहुल राखियां।